पार्टी के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं पीटीआई में शामिल होने के लिए बेताब हूँ क्योंकि इमरान खान के गिर्द एक दीवार एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई है और एक फवाद चौधरी के नए बयान ने सबको हैरान कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि मैं फौज पर हमलों की हिमायत नहीं कर सकता। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि अवाम और फौज लड़ पड़े, ये हम होने नहीं देंगे। फौज को आईनी हदूद में रहने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फौज के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता। फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने जेल इमरान खान की वजह से काटी, ख्वाहिशात पूरी नहीं की, इसीलिए मुझे दोबारा जेल जाना पड़ा। ये अहमकों का टोला है, इमरान खान तो बहुत अकलमंद आदमी, मुझे 100% यकीन है जिस दिन इमरान खान से मेरी मुलाकात हो गई वो मेरे मौकफ की तायद करेंगे। मैं पीटीआई में शामिल होने के लिए बेताब हूँ क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि जैसे ये लगे हुए हैं ऐसे तो इमरान खान ने जेल से बाहर नहीं आना। दूसरी जानिब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देते हुए साबिक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा सियासी क़यादत ने मेरा इमरान खान के साथ रابطہ खत्म करवा दिया। इमरान खान के गिर्द एक दीवार एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई है और एक दीवार मौजूदा क़यादत ने बना रखी है। क्या हम एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर खुद पर जुल्म करवा रहे हैं? हमारी सोच है कि इमरान खान अगर ये जंग हार गया तो पाकिस्तान हार जाएगा और हमने हर सूरत इमरान खान को कामयाब बनाना है।